हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द डेटा हमें जो है किस तरह के कौन से टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए, पहले हमें कोई भी हम डेटा कहीं से भी कलेक्ट करते हैं तो हमें पहले डेटा का नेचर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें हमारे पास जो है डेटा किस नेचर का है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि टेस्ट किस तरह लगेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो मेनली हमारे पास जो है ब्रॉडली दो तरह के टेस्ट होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सर, अब ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक क्या है? देखिए, ये वो टेस्ट हैं लगाते हैं कि हमारे पास डेटा का नेचर क्या है उसके बेसिस पे। अच्छा सर, अब हम इसको डेटा का नेचर कैसे जानेंगे? देखो, अगर आपने पैरामेट्रिक टेस्ट समझ लिया तो आप नॉन पैरामेट्रिक इजीली समझ जाओगे, बिकॉज नॉन पैरामेट्रिक है दैट इज नथिंग विच इज अदर देन विच इज अपोजिट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक सॉरी विच इज अपोजिट ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है कि ये कुछ एजम्पशंस बोलता है, यानी कि अगर आपने इसके कुछ एजम्पशंस को फुलफिल कर लिया तो हम बोलेंगे क्या इसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके जो एजम्पशंस हैं इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पैरामेट्रिक टेस्ट में भी कुछ वेरियस टेस्ट हैं उसको कैसे लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर दी बेसिकली अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट देखिए, फर्स्ट आपकी अजम्पशन दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो डेटा का जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है ये देखिए जरा। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? दैट मींस आपका जो कर्व और डेटा होना चाहिए वो आपका बेल शेप कर्व होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका ये जो मिडल में होता है जहां पर आपका मीन मोड एंड मीडियन ये आपके जो है तीनों इक्वल होते हैं, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन अगर ये डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम स्क्यूनेस। दैट मींस डेटा अब जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ठीक है, तो पहला हमारे कंडीशन क्या, दैट इज डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन है दैट देयर शुड बी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएबल। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए, डेटा आपका जो है कैसा भी हो सकता है, जैसा मान लीजिए डेटा आपका ये नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, डेटा आपका ऐसा भी हो सकता 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 है। ठीक है, तो डेटा देखिए किसी भी तरह का हो सकता है, तो हमें देखना है कि डेटा का जो वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए? होमोजेनियस, यानी कि सेम होना चाहिए। सर, इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्लास में जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब उनका हमें जो है मीन मार्क्स देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं बोल लूँ कि 100 स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड ये वाई एक्सिस पे क्या है? आपके मार्क्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम से कम मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ये मीन स्कोर है, इसके आसपास आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के। मैक्सिमम जैसे मैं बोलूँ कि सपोज कि 80% स्टूडेंट्स के जो हैं वो एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि 70 आ रहे हैं। तो देखिए वो डेटा आपका किस तरह बनाएगा भाई? कुछ बच्चों के तो मार्क्स कम भी होंगे, कुछ बच्चों के बढ़ेंगे भी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स वो कैसे आ रहे हैं? 80% बच्चों के मार्क्स कितने हैं? 70 आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका नॉर्मली जो 80% बच्चे वो कहाँ पर लाई कर होंगे? आपके इस एरिया में लाई कर होंगे वो 80%, और बाकी जो आपके 10-10% बच्चों को कहाँ पर लाई कर रहे होंगे? वो यहाँ पर लाई कर रहे होंगे। सो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 80% बच्चों के जो मार्क्स है ना वो ऑलमोस्ट जो कैसे हैं सेम है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि जो
डेटा में जो वेरिएशन वो कैसा, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब डेटा जो है में क्या कुछ वेरिएशन है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। वही अगर मान लीजिए डेटा अगर सेम नहीं है तो उसका बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट का दूसरा आपका अजम्पशन क्या रखने से, कि यहाँ पर ना एक वेरिएबल्स में जो आपके जो वेरिएशन है ना वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। वो ऑब्वियसली देखिए बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकता, वो कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पैरामीट्रिक टेस्ट की दूसरी कंडीशन फुलफिल हो सकती है अगर डेटा वेरिएशन में क्या है आपका होमोजीनियस है, राइट। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है कि डेटा आपका जो है इंटरवल या रेशियो डेटा होना चाहिए, दैट मीन्स आपका मेट्रिक डेटा होना चाहिए। इसमें मैं अलग से वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा तो आप देख सकते हो कि पहले आपको देखना होगा कि व्हाट आर दी वेरिएबल्स, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो उसके बेसिस पे आपका जो है स्केल कैसा लगता है, ये आपका मेन डेटा का आपका नेचर क्या होगा वो देखना होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कलेक्ट कैसे करते हो। क्या मान लीजिए आप मल्टीपल जैसे आप क्वेश्चनर कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चनर के थ्रू मान लीजिए आप चाहे सिंगल डिजिट में आप जो है उससे जो कोई आंसर ले रहे हो, या फिर उनको एमसीक्यू बेस पे कोई बे अटेम्प्ट ले रहे हो, या लाइकर्ट स्केल स्केल पे ले रहे हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही मान लीजिए आप किसी से पूछो एज, ठीक है, तो एज आप स्ट्रेट अवे एज पूछ रहे हो, यानी कि आप एग्जैक्ट पता हो कि उसकी एज क्या है, तो वह कम देगा स्केल डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखना होगा कि आप डिपेंड करते हैं कि आप जो है डेटा जो रिस्पॉन्स ले रहे हो वो किस तरह से आप ले रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप पे आप डेटा कैसे ले रहे हो, तो वही देखेंगे हम, यानी कि आपका यहाँ पर मेट्रिक डेटा होना चाहिए। देन लास्ट आपका दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्कोर। इंडिपेंडेंट स्कोर जैसे देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स, तो यहाँ पर कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट होना चाहिए। भाई ऐसा तो होता नहीं कि एक क्लास में बच्चा पढ़ रहा है दूसरा बच्चा ये बोलता है कि मैं ये पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो वह नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्कोर नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक की फोर्थ कंडीशन है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं दैट नाउ वी कैन गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएबल्स, इंटरवल और रेशियो डेटा, एंड लास्ट है आपका दैट इज कॉल्ड इंटरवल इंडिपेंडेंट स्कोर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा सकता है कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि डेटा आपका जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए लाएगा, यानी कि चारों कंडीशन फुलफिल होगी, ये कैसा पता लगेगा। तो उसके लिए आपके देखिए तीन आपके पास जो है टाइप्स हैं कि उस तरह मेथड हैं कि उस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि डेटा आपका होमोजीनियस है या नहीं है, वेरिएबल्स आपके होमोजीनियस है या नहीं, डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले है तो स्क्यूनेस। देखिए स्क्यूनेस क्या होता है, देखिए मैंने आपको इस पर लेक्चर वीडियो बना हुआ है आप देख सकते हो। स्क्यूनेस मतलब होता है कि डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं, दैट मीन्स अगर जैसे देखिए इसी डायग्राम में यहाँ पर देखिए मिडिल पार्ट क्या है, जीरो जीरो होता है, तो वेरिएशन यहाँ पर डेटा अगर जैसे जितना जीरो के क्लोज होगा दैट मीन्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है। तो स्क्यूनेस अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो स्क्यूनेस होगा। स्क्यूनेस कब नहीं कब कब स्क्यूनेस को कब बोलेंगे, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर क्लोज भी हुआ तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है अगर बहुत क्लोज हो तो, बट अगर नहीं है तो वैसे वो स्क्यूनेस ही माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट देखिए पहले आपको देखने की स्क्यूनेस देखने की वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। देन सेकेंड मेथड क्या आपका हिस्टोग्राम, ये क्या बताता है आपको, आपको बताता है कि सीरीज आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। बट देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप इसको देखने पर लगता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट बट एक्चुअली में नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ राइट मेथड लाइक टू सी दी वेदर द डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, और वेदर देर इज अ होमोजीनिटी और नॉट, तो नॉट, तो इसलिए हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ ये मेथड है तो हम इसको भी देखेंगे। एंड द लास्ट वन लास्ट मेथड है जो कि बोल सकते हैं कि दैट इज दी मोस्ट यूजफुल मेथड, ठीक है। तो उसको क्या है, यहाँ पर आपके दो हैं, दैट इज शैपिरो विल्स टेस्ट एंड दी कोल्मोग्रोव टेस्ट। अगर आप शैपिरो विल्स टेस्ट लगा रहे हो तो दैट मीन्स ये किसके लिए, दैट इज बेटर फॉर स्मॉलर कम सैंपल, यानी कि अगर मान लीजिए सैंपल ज़्यादा आपका छोटा है, ऐसा मान लीजिए 30, 40, 50 ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल है, जैसे मान लीजिए अगर 100 से जा रहा है, लाइक सपोज 300, 400, 500, सो आपके लिए कौन सा टेस्ट बेटर होगा, दैट इज कॉल्ड कोल्मोग्रोव टेस्ट, राइट। सो देखिए वन बाय वन स्टेप देखते हैं, फिर किस तरह देखना है हम जो है ये डेटा लेके चलेंगे। पहले आप डेटा को अच्छे से देखिए क्या बता रहा है डेटा आपको।
देखिए ये डेटा है, स्टूडेंट हैं दैट इज 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें जेंडर है यानी कि मेल फीमेल हैं, और ये उनका जो है क्या स्कोर है ये, ठीक है स्कोर है, जैसे कुछ बच्चों ने जो है 89, 68, 55 आउट ऑफ 100 ये जो इनके मार्क्स हैं, ठीक है। अब इस ये आपका डेटा व्यू, अब वेरिएबल व्यू में जाइए, वेरिएबल क्या आपका दैट इज दो वेरिएबल आपके जेंडर एंड स्कोर। जेंडर आपका देखिए आपका नॉमिनल होगा, एंड इसका देखिए वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, देखिए लेवल दे दिया, दैट मीन्स वन इज इक्वल टू मेल एंड टू इज इक्वल टू फीमेल। देन स्कोर तो आपका देखिए स्केल बेसिस पे होगा, ये आपका मेट्रिक डेटा आपका। तो देखिए आपकी पहले देखिए आपका आप एजम्पशन देखिए, एजम्पशन में देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि डेटा आपका जो इंटरवल या रेशियो स्कोर में, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए स्कोर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किस में आपका रेशियो में है, ठीक है तो ये रेशियो स्केल में है, तो इसलिए आपकी ये एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। बाकी कंडीशन के लिए आपको जो यहाँ पर टूल्स देखने होंगे कि किस तरह से आपको उसको चेक करना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट मेथड है वो क्या आपका स्क्यूनेस, तो देखिए कैसे चेक करना है, आपको क्लिक करना है एनालाइज पे जाइए, देन क्लिक देन गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन क्लिक ऑन एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डिपेंडेंट पूछ रहे हैं, फैक्टर लिस्ट पूछ रहे हैं, देखिए डिपेंडेंट आपका क्या होगा दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, दैट मीन ये स्कोर होगा, और फैक्टर जो आपका नॉर्मल जो डेटा था वो आपका हमेशा जो है नॉर्मल डेटा आपका जो हमेशा फैक्टर लिस्ट में आता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमें कौन सा स्टैटिस्टिक लगाना है, डिस्क्रिप्टिव लगाना हमें होगा, ये हम देख रहे हैं 90% 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप देखिए हाइपोथेसिस की मेरी वीडियोस लेक्चर देख सकते हो। कंटिन्यू और कुछ तो आपको टेस्ट नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। प्लॉट्स हमें क्या क्या देख रहे हैं, स्टेम एंड लीफ नहीं देखना, हम हिस्टोग्राफ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मेलिटी, अगर आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी है, देखिए आपको फर्स्ट कंडीशन क्या है नॉर्मेलिटी देखनी है, इस पे आपको क्लिक करना है नॉर्मेटिव प्लॉट विद टेस्ट, एंड अगर आपको चेक करना है कि डेटा में होमोजेनिटी है या नहीं है तो आपको क्या देखना है, आपको अनट्रांसफॉर्म्ड पे क्लिक करना है, अनट्रांसफॉर्म्ड में अगर आपको होमोजेनिटी चेक करनी है, दैट्स इट, क्लिक कंटिन्यू एंड देन प्रेस ओके। तो ये रहा आपका आउटपुट का डेटा, वन बाय वन देखते हैं। तो क्या बोल रहे थे, केस समरी क्या बोलते, देखिए मेल्स नंबर कितने 25, फीमेल कितने 25, कोई भी केस आपका आपका जो मिसिंग नहीं है। देन डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव में देखिए आपका फर्स्ट क्या बोलता है, स्क्यूनेस शुड बी इक्वल टू जीरो, स्क्यूनेस अगर आप मेल डेटा देखो तो स्क्यूनेस का जीरो है नहीं है, दैट इज 0.314, जीरो नहीं है बट जीरो के क्लोज कह सकते हो, ठीक है, बट ये डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एज पर दिस, क्योंकि कुछ जीरो तो है नहीं। वही अगर फीमेल का देखें तो फीमेल का भी देखिए यहाँ पर कितना 0.251, अगर आप देखें दोनों में से ज़्यादा अगर बोलें कि क्लोज टू जीरो कौन सा है, वो है फीमेल का डेटा, यानी कि इसको बोलते हैं कि फीमेल का डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एज कम्पेयर टू मेल, इतना आपको पता लग गया। चलिए और देखते हैं, जैसे देखिए मीडियन है मेल का फीमेल मेल मार्क्स मार्क्स का दैट इज 60, वेरिएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना देखिए 16.565, ये मेल का है 16.56 है, अगर हम फीमेल का देखें तो 16.158। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, दैट मीन्स द डिस्पर्सनेस ऑफ द डिस्पर्जन इन द डेटा, दैट मीन्स कितना ज़्यादा वेरिएशन है, तो वेरिएशन देखिए किस में कितना ज़्यादा, किस में ज़्यादा है, वो है मेल मेल डेटा में, डेटा में, ठीक है। चाहे आप वेरिएशन देख लीजिए, वेरियंस देख लीजिए, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन देख लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो वेरियंस देखें यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर मेल मेल कैंडिडेट का, सो दैट मीन्स मेल के डेटा में ज़्यादा वेरिएशन है। इसके बाद आप मिनिमम देखिए यहाँ पर, मिनिमम मैक्सिमम उसके अकॉर्डिंग आपकी रेंज आ गई दोनों का डिफरेंस। देन कटोसिस यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, कटोसिस अगर देखिए लेस देन 3 आता है तो दैट मीन्स आपका डाटा कैसा होता है, दैट इज प्लेटिकर्टिक, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देते हो, ये भी आपका प्लेटिकर्टिक है। तो देखिए इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, सर नहीं समझ आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्यूनेस इक्वल टू 0 है ही नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड मेथड है आपका, मैं देखिए दैट इज हिस्टोग्राम, अब एक बार हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं, ये रहा दोनों का देखिए हिस्टोग्राम मेल का, तो इस पे देखिए डबल क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन एलिमेंट्स एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये मोर और लेस आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा रहे हैं, नो मोर और लेस दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कि जो आपको हिस्टोग्राम है वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताता कि डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। देखिए मेरे मेल का डेटा ही शो कर रहे हैं, फीमेल का देखिए ऐसे शो कर रहे हैं, ये देखिए ये रहा फीमेल का एंड ये मेल का। देखिए ऊपर हमें नजर आ रहा था कि स्कूनेस की वैल्यू जो है फीमेल की कम थी, तो हम ये बता रहे थे कि भाई फीमेल का डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एज कम्पेयर टू मेल, वो भी देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए आप देखिए ये कर ध्यान से देखिए, फीमेल का देखिए ज्यादा एक्यूरेट बन रहा है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है ना। मेल के कैंडिडेट में देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्पर्सन ज्यादा है देखिए, बट फीमेल की कम है एज कम्पेयर टू मेल, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट वन, दैट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट देखेंगे। ये हम दो टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपके पास ये रहा टेस्ट, ये रहे वो टेस्ट, टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी एंड टेस्ट फॉर होमोजेनिटी। पहले देखेंगे हम टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी। टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी हम देखेंगे, देखिए कोलमोग्राफ केएस टेस्ट देखेंगे पहले हम। अगर देखिए मेल और फीमेल का सिग्निफिकेंस वैल्यू कितने आ रही है, 0.72, फीमेल का कितना आ रहा है 0.1, सो दैट मीन हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली मोर देन 0.05। तो ये आपके इनसिग्निफिकेंट आ रही है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स आपका ये क्या डेटा क्या है। अगर ये लेस मोर देन 0.05 यानी कि 5% ज़्यादा है, सो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि आपका डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर आप कैसे बता सको, यहाँ देखिए ग्राफ, ये ग्राफ देखिए अगर ध्यान से देखिए, अगर आपका मैक्सिमम डेटा यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आपका डेटा नॉर्मली सारा डेटा अगर माने जी यही आ रहा है, यही आ रहा है सारा डेटा आपको यहाँ, ठीक है, मैं बोलूँ कि 2.5% यहाँ पर है, 2.5% यहाँ पर है, ये कितना है आपका 2.5%, ये कितना है आपका 2.5%, ठीक है। बट मैक्सिमम डेटा आपका जब इन यहाँ पर शो कर रहा है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे यहाँ पर डेटा क्या आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज मैक्सिमम डाटा आपका तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 5% से क्रॉस करेगा तो आपका सारा डाटा यहाँ पर आएगा, 5% यहाँ क्रॉस कर सारा डाटा यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 5% से क्रॉस करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है आपको, मैंने जैसा हुआ था ना, देखिए तीन मेथड था आपके, एक फर्स्ट वन था आपका स्क्यूनेस, स्क्यूनेस आपका क्लोज इक्वल टू जीरो नहीं है, तो वहाँ पर हमने क्या हम क्या कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा ग्राफ, ग्राफ में कहने कि ठीक है हम कंपेयर तो कर सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका नहीं है, यानी कि कौन सा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बिल्कुल क्लोज टू जीरो है या कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, तो कंपेयर। लेकिन इंडिविजुअल देखा है कि मेल का, अगर मैं बोलूंगा क्या मेल का डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है नहीं है, तो उसके लिए क्या देखना आपको, केएस टेस्ट, या कोई केएस टेस्ट। और अगर उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या आपका डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेल का तो ठीक है, फीमेल का देखें तो कि अगेन वो भी जो 0.05 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट का जो डेटा वो क्या आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि देखिए हर बच्चे के मार्क्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। देन अब देखते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के लिए आपको देखिए टेस्ट देखना है आपका लेवन स्टैटिक के अकॉर्डिंग, वही सेम आप देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला मैथड्स में देखो ये वाला कि देखिए 80% स्कोर के बच्चे के मार्क्स 70 है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए यहाँ इसी का यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या डेटा में जो वेरिएशन जो है वो डेटा में जो वेरिएशन क्या होमोजेनियस, यानी कि डेटा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है सेम है। तो इसका मतलब इसमें वही कंडीशन कि अगर आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है, सो वी कैन से दैट दी देयर इज अ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएशन इन दी डेटा, राइट। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव में भी एंड होमोजेनिटी में भी, अगर आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेटा इज होमोजेनिटी, ठीक है।
ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा जो है मान लीजिए नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा बट होमोजेनिटी आ रहा है, या रिवर्स हो सकता है कि भी होमोजेनिटी आ रहा है बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी होमोजेनिटी नहीं हो रहा बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में आप डेटा को जो करेक्ट भी कर सकते हो। करेक्ट करने के दो मेथड हैं, दैट फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड लॉग मेथड एंड द सेकेंड वन इज दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट में देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँगा कि किस तरह करना है आपको। गो टू ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, अब मान लीजिए ये जो स्कोर है, मैं मान लीजिए इसको मैं नाम दे दूँ, सपोज लॉग ई एस, क्लिक ऑन टाइप एंड लेबल, इसको आप कॉपी कीजिए, वेट सॉरी, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, क्लिक ऑन टाइप एंड लेबल, पेस्ट इट हेयर एंड देन कंटिन्यू। इसके बाद आपको इसके देखिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ऑल फंक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर ढूंढिए लेग 10, ये रहा लॉग 10, देखिए डबल क्लिक ऑन दिस, और उसके बाद आपको इस ई एस को यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर करना है +1, क्योंकि देखिए लॉग 1 तो 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर +1 करना है, ये हमेशा याद होगा, एंड देन क्लिक ऑन ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर देखिए आपकी एक और सीरीज बन जाएगी लॉग ई एस से। अगर मान लीजिए मैं इसको करूँगा एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, सेम मैं यही करूँ, टेस्ट लगाऊँ, तो क्या मेरे डेटा में कुछ चेंज आता है या नहीं आता? डेटा में देखिए कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि मेरे पहले डेटा मेरा पहले से ही जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और होमोजेनियस था। आप देख सकते हैं, देखिए 0.172, 0.110, 0.842, देखिए कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं होता, तो आप जो ए टेस्ट लगा के आप लॉग 10 लगा के आप जो हो सकता है आपका डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियस वेरियंस आ जाए। मैंने आपको स्टेप बता दिया, बाई चांस अगर नहीं आता तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है कि अगर किसी भी सीरीज में अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या होमोजेनियस नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे ही लॉग 10 यूज करके आपको जो डेटा आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एंड होमोजेनियस बना सकते हो। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है आपको, दैट मीन्स आपका पैरामेट्रिक टेस्ट फेल हो गया, आप पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, सो दैट मीन्स अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू। वो हम डिस्कशन उसकी हम बाद में करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज द ऑल अबाउट दैट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशन क्या होती है एंड उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।